इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। पृथ्वी के सतह से ऊपर निकली ये चट्टानें भारत में सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक है। पहाड़ियों की खुदाई से निकली गुफाओं में आपको प्राचीनतम कलाकृतियां मिलेंगी। यहाँ हिंदू देवताओं के अस्तित्व के प्रारंभिक आस्था के भी सबूत दिखाई देंगे। भोपाल से यहाँ पहुंचने में करीब 1.5 घंटा लगता है। उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की है, यानी करीब 1600 साल पुरानी। चौथी और पांचवी शताब्दी के दौरान ये क्षेत्र महत्वपूर्ण शहर विदिशा का हिस्सा था, जो गुप्त साम्राज्य के लिए बहुत अहम था। देखिए, उदयगिरी का महत्व इस बात में ही निहित है कि ये एक गुप्त साम्राज्य में बनाई हुई कला चट्टानों में खोदी गई गुफाएं हैं यहाँ पर, और ये सभी ब्राह्मणिकल कल्ट से जुड़ी हुई गुफाएं हैं। इसका महत्व तो इस बात में भी निहित है कि भारतीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए गुप्त सम्राट ने, गुप्त शासकों ने इसके पास ही सांची की जितनी भी प्राचीन स्थापित संरचनाएं थी, जिनमें स्तूप हैं, मोनास्ट्रीज हैं, उनको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने। और बेशक उन्होंने एक 10 किलोमीटर दूर जा करके एक पहाड़ी को अपने धार्मिक केंद्र बनाया और वहाँ पर लगभग 20 गुफाओं को उकेरा। और इन गुफाओं के उकेरने के साथ यहाँ की एक ये भी विशेषता है कि यहाँ पर हमें प्राचीन जो अर्लीस्ट डेटेड इंस्क्रिप्शन यहाँ का मिलता है हमको गुप्ता पीरियड का, और वो है गुफा नंबर 6 में उत्कीर्ण किया गया है। और उसमें भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का हमको विवरण मिलता है, और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने यहाँ पर शकों का उन्मिलन किया था, और उनके साथ एक मंत्री थे जिनका नाम था वीरसेन। उन वीरसेन ने यहाँ पर जितनी भी हमारे कलाकृति हमको देखने को मिलती है, इसमें उनका योगदान था। चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय के शिलालेख से पता चलता है कि आज जिन मंदिरों को हम जानते हैं, वे दरअसल अस्तित्व में आए कैसे। इस काल के पहले के भारत में मंदिरों के फिलहाल कोई अवशेष नहीं मिले हैं। अवशेष क्यों नहीं है, इसे लेकर इतिहासकार अलग अलग वजह बताते हैं। कुछ का कहना है कि इसके पहले मंदिर लकड़ी के होते थे, जिसकी वजह से वे टिक नहीं सके। कुछ का मानना है कि उस समय प्रकृति की पूजा की जाती थी। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का मानना है कि लोकप्रिय ब्राह्मणवादी परंपरा में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसलिए पूजा के लिए किसी स्थायी जगह की जरूरत ही नहीं थी। रिहायशी इलाकों के बाहर यज्ञ अथवा बलि जैसे अनुष्ठान के लिए अलग से जगह बनाई जाती थी। शिलालेखों के अनुसार अनुष्ठान के बाद इन जगहों को नष्ट कर दिया जाता था। यहाँ तक कि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में एक आदर्श नगर की कल्पना में मंदिर का उल्लेख नहीं किया है। विशेषज्ञों के अनुसार पूजा के स्थायी जगहों का विचार बौद्ध, जैनियों और आजीविका के लिए चट्टानों को काटकर बनाए गए पूजा स्थलों से आया था। इसका उदाहरण सारे देश में देखा जा सकता है, जैसे लोनावला के पास की ये भाजा गुफाएं। उदयगिरी की ये गुफाएं दक्कन में चट्टान काटकर बनाई गई बौद्ध गुफाओं से काफी मिलती हैं। इन गुफाओं में कुछ ऐसे अंश हैं जिससे उन युगों में स्थायी मंदिरों की नींव पड़ी। जहाँ तक मंदिर निर्माण की परंपरा का सवाल है, यूँ तो हमें मंदिरों की परंपरा बहुत प्राचीन काल से मिलती है, जिसको हम गुप्त पीरियड से पहले भी कह सकते हैं, और वो उसकी तिथि लगभग आती है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, फिर 2nd सेंचुरी AD में भी हमको इस तरह के मंदिर प्राचीन मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं। और विशेषकर जिस क्षेत्र में हम हैं, विदिशा के क्षेत्र में, यहाँ से भी प्राचीन एक मंदिर हमको मिला है, जिसका जो एफसाइडल टेम्पल था। लेकिन हमको कंप्लीट रूप से एक स्ट्रक्चरल टेंपल के फॉर्म में हमें
गुप्ता टेम्पल 17 जिसे सांची में हमको मिलता है, उसी मंदिर का यहाँ पर उदयगिरी की केव नंबर 1 के नाम से प्रसिद्ध है और वो प्रोटोटाइप टेम्पल मिलता है, जिसका गर्भगृह जो है वो है चट्टान में और उसका जो पोर्च है, स्तंभ जिसमें बने हुए थे, वो पोर्च है पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्म में। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण की परंपरा में जो गुप्ता पीरियड में एक मंदिर बने और वहाँ से मंदिरों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई, उसका प्रोटोटाइप हमें उदयगिरी गुफाओं से मिलता है। गुप्ता पीरियड के जितने भी मंदिर हैं, प्रारंभिक दौर में मंदिर बने हैं, उनमें हमको नॉर्मली टी शेप का प्रवेश द्वार मिलता है। टी शेप एक अंग्रेजी का टी है वर्ड है, और प्रवेश उसके प्रवेश द्वार के ऊपर एक हॉरिजेंटल एक हमको पट्टी का देखने को मिलती है, जिसपे विभिन्न देवी देवताओं के या मुख्य देवी देवता का चित्र की मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई है। तो ये टी शेप ऐसा है, ये बहुत कॉमन है। जितने भी गुप्ता टेम्पल्स हमको पहचानने का एक ठीक तरीका है कि इस तरह के टी शेप जहाँ मिलते हैं हमको, ये गुप्ता पीरियड के टेम्पल होंगे। और गंगा यमुना की जो मूर्तियाँ हैं, क्योंकि मंदिर निर्माण की जो परंपरा का जो भौतिक स्वरूप हमको मिलता है, इससे पूर्व के जितने मंदिर हमको मिलते हैं वो प्रिमिटिव स्टेज में मिलते हैं, चाहे वो एफसाइडल टेम्पल हो या बेसनगर का एलिप्टिकल टेम्पल हो और बैराड राजस्थान का एफसाइडल टेम्पल हो, सर्कुलर टेम्पल क्यों ना हो, उसमें हमें बहुत ही इनिशियल स्टेज में फाउंडेशन लेवल पर सब चीज़ें मिलती हैं। एक कंप्लीट विजुअल फॉर्म में हमें केवल गुप्ता पीरियड से शुरुआत की जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल टेम्पल गुप्ता पीरियड से शुरू हुए हैं, जिसकी प्रारंभिक रूप हमें टेम्पल नंबर 17 से देखने को मिलती है और जिसका प्रोटोटाइप हमें गुफा नंबर 1 उदयगिरी से देखने को मिलता है। और गंगा यमुना की परंपरा हमारे बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, एक डेकोरेटिव मोटिव से, और गंगा यमुना एक हमारा अभिषेक का एक परंपरा हमारे यहाँ रही है। तो वो प्रारंभिक रूप से मंदिरों में द्वार शाखाओं के ऊपर स्थापित की जाती थी, और ज्यों ज्यों फिर धीरे धीरे वो मंदिर जब गुप्ता पीरियड में ही मैच्योर फेज के जब मंदिर आने लगे, फिर वही गंगा यमुना की मूर्तियाँ नीचे स्थापित की जाने लगी। और इस तरह के एग्जांपल हमें आसपास के जो बुंदेलखंड रीजन में ललितपुर ज़िले के दशावतार मंदिर में भी हमको देखने को मिलते हैं, और आसपास मध्य प्रदेश में जितने बाद के गुप्ता पीरियड के मंदिर बने, फिर धीरे वो जो गंगा यमुना की मूर्तियाँ वो द्वार के नीचे स्थापित की जाने लगी। ये वराह की मूर्ति उदयगिरी के सबसे उत्कृष्ट अवशेषों में से एक है। नजदीक से आप इसकी बारीकियों को देखकर दंग रह जाएंगे। इसमें बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है कि कैसे विष्णु के अवतार वराह ने भूदेवी को बचाया था। इस कलाकृति में भूदेवी को वराह के थूतन या नाक पर बैठा दिखाया गया है और आसपास अन्य देवी देवता हैं। जो वराह हमको गुफा नंबर 5 में या वराह भूवराह की मूर्ति हमको देखने के मिलती है, ये अपने आप में एक अद्भुत है और शायद विश्व की एक बहुत बड़ी मूर्ति है। विश्व में इस तरह की मूर्ति देखने में शायद मेरे संज्ञान में भी आज तक आई नहीं है। इसका एक कलाकार, हमारी भारतीय कला चूँकि एक भावनाओं से ओतप्रोत है और उसमें केवल दिखाने की प्रवृत्ति कभी नहीं आई है, बल्कि उसमें एक मानव के जो आध्यात्मिक भावना है वो भी उसमें छिपी हुई है। उस आध्यात्मिक भावनाओं को दर्शाने के लिए ये एक नेचुरल प्राकृतिक तरीके से मूर्ति बनाई गई थी चट्टान में, जिसमें किसी ज़माने में इसके सामने ही एक सम्मुख एक टैंक है, तालाब है, जिसके बीच में वर्तमान में आज के रोड चली आ रही है, लेकिन एक समय था जब ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई रोड नहीं रही होगी और ये मूर्ति उस तालाब से कनेक्टेड थी। और जिस तरह से मूर्ति में हमें देखने को मिलता है वराह खड़े हैं देवी पृथ्वी को लेकर के खड़े अपने थूतन में, और उनका पैर जिस तरह से प्रत्यालीड़ आसन में खड़ा हुआ है, और समुद्र के उसमें लहरें उखेरी गई हैं, और ये लहरें वो तालाब से जो पानी आता रहा होगा, ऐसा बहुत स्वाभाविक है कि लहरें उसे टकराती रही होंगी, और जब यहाँ पर भक्त आते होंगे या दर्शक जो भी दर्शक यहाँ आते होंगे वो भावविहोर हो जाते होंगे, इतना तय है। क्योंकि आज के इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि इस तरह से वेवी लाइंस उसमें समुद्र की दिखाई गई हैं, एक जगह पे वरुण को दिखाया गया है, वरुण जो है जल के देवता, वरुण को दिखाया गया है, गंगा यमुना उसमें दिखाई गई हैं, एक वहाँ पर एक बैठी भी आकृति है, उसको ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त की आकृति है, ऐसा माना जाता है। तो ये उस समय का अगर सचमुच में पानी वहाँ टैंक के सामने आता रहा होगा तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये इसकी प्रासंगिकता कितनी रही होगी। वराह की मूर्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि चौथी और पांचवी शताब्दी में विष्णु और उनके 10 अवतार अस्तित्व में आ चुके थे। आपको उदयगिरी के पास ही
विष्णु भगवान की पूजा के आरंभिक सबूत मिल जाएंगे, जैसे ये गरुड़ स्तंभ जिसे 100वीं ईस्वी में यहाँ के यूनानी गवर्नर हेलियोडोरस ने बनवाया था। इन तमाम चीजों से लगता है कि ये इलाका वैष्णववाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। देखिए, बेसनगर का महत्व गुप्ता इससे पूर्व ही था, क्योंकि जो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ है, जो कि एक यूनानी हेलियोडोरस नाम के यहाँ पर आए थे, और वो आए थे सुंग पीरियड में, और उस समय सुंग शासक का नाम था सुबकसेन भागभद्र, तो उसके समय में आए थे, जिसका विवरण वो स्वतः उस अभिलेख में भी है जो स्तंभ में लिखा हुआ है, जिसमें वो अपने को भागवत धर्म का अंगीकार करते हुए बताते हैं और एक गरुड़ मंदिर, गरुड़ स्तंभ की स्थापना का वहाँ पर वो बताते हैं। तो इस दृष्टि से ये कह सकते हैं कि भारतीय वैष्णव परंपरा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो हमारे यूनानी यहाँ पर, हमारे यहाँ पर यूनानी एम्बेसडर्स यहाँ पर आए थे, वो यहाँ पर आए और यहाँ की संस्कृति में ओतप्रोत हो गए, और बाद में उन्होंने स्वतः ही भागवत धर्म को अंगीकार कर लिया था। इसके अलावा उदयगिरी में गणेश की ये शानदार मूर्तियाँ भी हैं, जो भारतीयों के प्रिय भगवान की शायद सबसे पुरानी मूर्तियाँ हैं। ये तय है कि गुप्ता पीरियड से मंदिर बनने, जो व्यापक रूप से बनने प्रारंभ हुए, और उनमें जो स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन भी रहा, उसका भी दौर शुरू हुआ। तो ये बात प्रारंभिक मूर्तियों, प्रारंभिक गणेश की मूर्तियां केवल उदयगिरी से बननी शुरू हुई है, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि गणेश के जो रेफरेंस हमारे आते हैं, वो उससे भी प्राचीन के रेफरेंस आते हैं। लेकिन भौतिक स्वरूप में हम ये कह सकते हैं ज़रूर कि शायद गणेश की मूर्तियाँ या इस तरह के गणेश बैठे हुए गणेश की मूर्तियाँ हमें उदयगिरी की गुफाओं से, उदयगिरी की केव नंबर 7 से देखने को मिलती हैं, और धीरे धीरे इन गणेश की मूर्तियों का व्यापक बड़े स्तर पर बनना शुरू हुआ होगा, जो लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी तक हमारा निरंतर चलता रहा। उदयगिरी में करीब 200 गुफाएं हैं, जहां हिंदू देवताओं की प्राचीन कलाकृति का भंडार है। गुफा नंबर 2 में स्कंद या कार्तिकेय की मूर्ति है, तो गुफा नंबर 4 में अद्भुत शिवलिंग है। इसी तरह गुफा नंबर 6 में महिषासुर मर्दिनी के रूप में दुर्गा और गुफा नंबर 13 में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है। गुफा नंबर 8 में आपको 5वीं शताब्दी का ये शिलालेख मिलेगा, जिस पर चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके मंत्री वीरसेना का उल्लेख है। जिसे भी भारत और इसके इतिहास में दिलचस्पी हो, उसे उदयगिरी जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको उन देवी देवताओं के दर्शन होंगे जिन्हें हजारों साल पहले पूजा जाता था।